एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और चौंका देने वाली खबर के बारे में है। दिल्ली के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो ये बात जानते हैं कि दिल्ली के चाणक्यपुरी के अंदर जो ऑफिसर्स क्लब है वो आम जनता के लिए की पहुंच से बाहर है। उसको बोलते हैं PSOI, पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट। दिल्ली का पॉश IAS अफसरों का क्लब है चाणक्यपुरी के अंदर, और जनरली उसके अंदर बड़े बड़े IAS अफसर और IPS ऑफिसर्स ही अलाउड हैं, उन्हीं की वहां पे मेंबरशिप है। बुधवार को CBI ने किसी और केस के लिए उस ऑफिसर्स क्लब के अंदर एक छापा मारा, और छापे में यह पता चला है कि उस क्लब के अंदर जो केटरर हैं, जो केटरिंग चलाते हैं, जो पिछले साल तक CBI की कैंटीन चलाते थे, वो मिडलमैन हैं, बिचौलिया हैं CBI के ऑफिसर्स और IAS ऑफिसर्स के बीच, कि जिन जिन IAS ऑफिसर्स के ऊपर CBI के करप्शन की इंक्वायरी होती है, जांच होती है, ये केटर जो हैं ये पैसे की मांडवाली करते हैं और IAS ऑफिसर्स की और CBI ऑफिसर्स की साठ गांठ कराते हैं। हवाला से पैसा देश के बाहर भी भेजा जाता है, और ये जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन है हवाला से भी किया जाता है, कैश से भी किया जाता है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के UT कैडर के, जो दिल्ली के अंदर जो कार्यरत IAS अफसर हैं, उनकी डिटेल्स और उनकी पर्सनल कागजात, यहाँ तक कि उनके पासपोर्ट और उनके वीज़ा उस मिडलमैन की पर्सनल दराज में मिले हैं। दिल्ली के बड़े बड़े सीनियर IAS अफसर हैं, और उनमें वो अफसर भी हैं जिनकी CBI से जांच कराई गई थी और CBI ने उस जांच के अंदर कुछ नहीं पाया, और केंद्र सरकार ने उनकी सेंक्शन भी देने से मना कर दिया उन अफसरों की, मतलब प्रोसिक्यूशन सेंक्शन से भी इनकार किया गया है। मुझे लगता है कि इस चीज के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि क्यों IAS ऑफिसर्स और क्यों IAS ऑफिसर्स की एसोसिएशन इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है कि उनको उनकी जवाबदेही और उनका कंट्रोल दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास आए। जब दिल्ली के अंदर ये सरकार चुनी गई फरवरी 2015 में, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, तो सबको ये बात समझ में आती थी, IAS अधिकारियों को भी ये बात समझ में आती थी कि इनके पास ACB है, इनके पास सर्विसेज डिपार्टमेंट है, ये विजिलेंस की इंक्वायरी भी करा सकते हैं, ACB की जांच भी करा सकते हैं, और ये भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त अफसरों को जेल भेजेंगे। इसके बाद IAS अफसरों के साथ केंद्र सरकार ने मिलके हमारी सरकार के आने के कुछ ही महीनों के अंदर ये नोटिफिकेशन ले आए कि अब से ACB और सर्विसेज दोनों ही दिल्ली सरकार से छीन लिए जाएंगे और ये केंद्र सरकार को दे दिए जाएंगे। और इसके साथ एक और आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूं, जो इसके साथ बिल्कुल फिट होगी, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दिल्ली सरकार के पास सर्विसेज है, और अब फाइनली दिल्ली सरकार का ये मामला सुप्रीम कोर्ट की डिविजनल बेंच के अंदर आने वाला है, तो IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन उस केस के अंदर पार्टी बन गई है, वो उस केस के अंदर इम्प्लीडर बन गए हैं। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि IAS एसोसिएशन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि हमारी भी सुनो, कि हम किस सरकार के अधीन रहने में ज्यादा कन्वीनियंट है। तो IAS एसोसिएशन जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है ये कहने कि हमारी जो दिलचस्पी है और हमारा जो कंफर्ट लेवल है वो केंद्र सरकार के साथ है, हमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधीन बिल्कुल भी मत भेजिएगा। और क्यों नहीं भेजिएगा?
ये अब जो सीबीआई की जो रेड है इससे साफ होता है। हम सीबीआई से ये डिमांड करते हैं कि छोटी छोटी बातों पे सीबीआई जो प्रेस रिलीज करती है, सीबीआई इस केस के अंदर भी प्रेस रिलीज दे और बताए कि किन किन अफसरों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सीबीआई को मिले हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से सीबीआई को छापे में केटरर के दराज से, आप सोचिए एक आईएएस ऑफिसर्स क्लब के केटरर की दराज से सीबीआई को नकद 3,66,000 रुपए नकद मिले हैं, करीब 1,60,000 की ज्वेलरी मिली है और करीब 20 रोलेक्स की इंपोर्टेड घड़ियां मिली हैं और आईएएस ऑफिसर्स की पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और हवाला से भेजे गए पैसे की ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ये आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की कैंटीन का मामला है और हम सीबीआई से ये जानना चाहेंगे, कैन सीबीआई डिनाई दैट इट कंडक्टेड रेड एट पालिका सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट दैट इट PSOI एट चाणक्यपुरी वेरी रिसेंटली ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। Is it correct that rupees 3.6 crore cash, jewelry worth 1.6 crores and 20 Rolex watches were recovered at this club? If an FIR has been registered, why is CBI not revealing the FIR? CBI normally tom-toms the arrest when it makes recovery of even 50,000 to 2 lakh rupees. Why is CBI so quiet about this case? Did CBI issue a press release or inform the media about this IAS club incident? और हम ये बताना चाहते हैं कि क्यों ये जो है, ये जो रेड है CBI की, इसको सीक्रेट रखा जाता है। The raid spot is the venue where who's who of Delhi bureaucracy love to go. It is a very place where the political IAS association passed its resolution against the elected government of Delhi. Is it the same bureaucracy which requested the masters of CBI, the central government, to keep CBI raids and the FIR under arrest, where the documents related to senior IAS officers have been recovered? Is there nothing incriminating in documents? Why CBI is probing its own officers? ये भी खास बात है कि अब इसके अंदर CBI अपने ही अफसरों की पड़ताल कर रही है, क्योंकि इसके अंदर CBI के अफसरों का और IAS अफसरों का एक बड़ा निक्सस सामने आया है। हमारी ये डिमांड है कि CBI और केंद्र सरकार इसके बारे में रुख साफ करे, प्रेस रिलीज दे, और हम ये भी चाहेंगे कि कांग्रेस और भाजपा जो छोटी छोटी बातों पे प्रेस रिलीज देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी इसके बारे में चर्चा करें, वरना ये बात साफ होती है कि आईएएस अफसरों के बड़े भ्रष्टाचार के ऊपर ना कांग्रेस सवाल उठाती है ना भाजपा सवाल उठाती है, क्योंकि सबको मालूम है कि कोई भी बड़ा भ्रष्टाचार अगर इस देश में या दिल्ली में होगा तो वो पॉलिटिकल क्लास और आईएएस ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी की साठगांठ से ही होता है, इसलिए इनके ऊपर उंगली उठाने से हर कोई हिचकिचाता है। हमने इंतजार किया है और आज ट्वीट के माध्यम से भी हमने आईएएस एसोसिएशन से ये पूछा है कि छोटी छोटी बातों पे आईएएस एसोसिएशन हड़ताल की बात करती है, कैंडल मार्च निकालती है, रेजोल्यूशन पास करती है, रेजोल्यूशंस को ट्वीट करती है, क्या आईएएस एसोसिएशन इतने बड़े गंभीर मामले पे कोई मीटिंग बुलाएगी? क्या आईएएस एसोसिएशन कोई रेजोल्यूशन निकालेगी? क्या आईएएस एसोसिएशन अपने अंदर ही चल रहे भ्रष्टाचार के ऊपर कोई कार्रवाई करेगी? अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक कनेक्शन तो वो है कि हम वही लोग हैं जो जंतर मंतर से यहां तक पहुंचे हैं और हम आज भी वही बात कर रहे हैं जो जंतर मंतर पे करते थे।
कि भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस और बीजेपी आज भी यही कहते हैं कि जब जब बड़े भ्रष्टाचार की बात होती है वो कहते हैं कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं इसको छुपा दो, इसको दबा लो, इस नेक्सस की बात है। दूसरी बड़ी बात ये है कि जिन आईएएस अफसरों के भ्रष्टाचार के कागजात, जिनके पासपोर्ट और वीजा दिल्ली के चाणक्यपुरी क्लब में मिले हैं, वो सभी अफसर यूटी कैडर के अफसर हैं। वो वही अफसर हैं जो दिल्ली कैडर के अंदर काम करते हैं। और अगर मेरा कहना सही है और अगर हमारी जानकारी सही है तो इसके अंदर वो अफसर भी हैं जिनके लिए सीएनजी फिटनेस स्कैम के अंदर हमने कई बार आवाज उठाई, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, सीबीआई ने सैंक्शन मांगी मगर नजीब जंग साहब ने उनको सैंक्शन नहीं दी, दिल्ली सरकार ने उसके लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया सीएनजी फिटनेस स्कैम के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कहा जाता है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और उस वक्त की मुख्यमंत्री के तार भी जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जांच कराने के लिए दिल्ली सरकार ने इंक्वायरी कमीशन बनाया, जिसको केंद्र सरकार ने कोर्ट में जाके रुकवाया कि इंक्वायरी करने का अधिकार भी सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, दिल्ली सरकार के पास नहीं है। और जब विधानसभा के अंदर हमने उसकी इंक्वायरी कराने की कोशिश की तो उसको भी कोर्ट में जाके रुकवाया गया है। हमें बताया गया है और हमारी जानकारी ये है कि इसके अंदर एक आरोपी वो भी हैं जो सीएनजी फिटनेस स्कैम के अंदर आरोपी थे, और उनको बचाने की पुरजोर कोशिश पहले कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने की, बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने की, और उसके बाद केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने की। इसके अंदर उन आईएएस अफसरों के भी दस्तावेज मिले हैं और हमें बताया गया कई और आईएएस अफसर हैं जिनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एक केटरर की पर्सनल दराज के अंदर पाए गए हैं। आईएएस की तरफ से कोई फॉर्मल प्रेस रिलीज नहीं है, कहीं कहीं से कयास लगाए जा रहे हैं, हमें जानकारी है उसके अंदर कई आईएएस अफसर हैं, कोई फिगर नहीं है हमारे पास, कई बताए गए हैं। यूटी कैडर, यूटी उत्तर प्रदेश नहीं, यूटी यूनियन टेरिटरी, हाँ यूटी। देखिए, दिल्ली विधानसभा ने अभी अभी एक रेजोल्यूशन पास किया है इसी सत्र के अंदर कि दिल्ली अपना एक अलग अफसरों का कैडर बनाए, ताकि दिल्ली के अंदर जो इतनी सारी पोस्ट खाली हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है काम, उसके अंदर मदद मिले। तो वो प्रोसेस तो हमने शुरू किया है और 6 हफ्ते के अंदर सरकार उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। मकसद इसके अंदर हमारा किसी एक पर्टिकुलर आईएएस अफसर को यहाँ पे एक्सपोज करने का नहीं, अगर होता तो हम बिल्कुल उसका नाम लेके आपके सामने उनको एक्सपोज करते। मकसद ये है कि कैसे इतना बड़ा नेक्सस आईएएस ऑफिसर्स, देखिए क्या होता है कि बहुत कोई मामला पकड़ा जाता है, उसके बारे में बहुत शोर मचता है, तब जाके किसी आईएएस अधिकारी की जांच होती है बहुत मुश्किल से, और अगर जांच भी होती है तो उसके अंदर बाद में सीबीआई पैसे ले लेती है और आईएएस अफसर को छोड़ देती है। तो ये तो बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है देश के लिए, देश की राजधानी के अंदर अगर ऐसा चल रहा है और आईएएस ऑफिसर्स इसके अंदर इस सांठगांठ के साथ चल रहे हैं, तो ये इसका जो है वो क्रक्स है। बाकी हो सकता है कि वो और किसी कैडर के भी अफसर इस तरीके की चीज़ों के अंदर लिप्त हो। हमारा ये कहने का मकसद नहीं है कि यूटी कैडर के लोग जो हैं वो कोई खास तरीके के भ्रष्ट हैं, लगभग जो भ्रष्टाचारी हैं वो हर तरीके के लोगों के अंदर होंगे, पाए जाएंगे। खुलासे का आधार एक दैनिक अंग्रेजी अखबार है। चलिए, थैंक यू। जी को दी जाए, प्रधानमंत्री जी इसके बारे में विचार करें कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दें, जैसा कि उनका खुद का उनका व्यक्तिगत वादा था दिल्ली वालों के साथ 2014 में। उन्होंने वादा किया था दिल्ली को कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा। एक सर, ये पक्षी पिछले 2-3 दिन से ये एक आयोजन किया और उन्होंने कुछ होटल बुक कराए, उन्हीं होटलों के अंदर देश के करीब 1 दर्जन नेताओं को ठहराया गया, जिसमें चंद्रबाबू नायडू थे, मुझे लगता है ममता बनर्जी होंगी और राहुल गांधी होंगे, लेफ्ट के नेता होंगे,
कई सारे नेता होंगे, मैं सबका नाम नहीं जानता, अरविंद केजरीवाल थे, कर्नाटका सरकार ने अपने खर्चे पे होटल कराए और होटल तय किए और होटलों के अंदर कमरे तय किए, और ऐसा ही एक कमरा अरविंद केजरीवाल जी को दिया गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और जैसे एक आम आदमी जितना जितनी रोटी खाता है, जितनी सब्जी खाता है, उतनी उनकी डाइट है, ये बात हम सब लोग ही समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मुख्यमंत्री को हम दिल्ली में इतना भूखा रखते होंगे कि वो कर्नाटका में जाके दो तीन दिन का खाना एक साथ खा लें, है ना। तो जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल आदमी की तरह उन्होंने खाना खाया, और एक सरकार की हॉस्पिटैलिटी थी कर्नाटका की, उस हॉस्पिटैलिटी के अंदर उन्होंने साधारणतः अपना खाना खाया, जूस पिया, एरोटेड ड्रिंक्स जिसके अंदर कोक और पेप्सी आते हैं वो लिए, और उसके बाद उन्होंने वो होटल चेकआउट कर दिया। होटल का किराया कितना था इसकी जानकारी हमें नहीं है, कर्नाटका सरकार ने उसका बिल दिया। ये जरूर है कि उसमें खाने का खर्च और जूस का खर्च जितना दिखाया जा रहा है वो सामान्यतः इतना महंगा होटलों में होता नहीं है, फाइव स्टार होटलों के अंदर इतना महंगा खाना आता नहीं है। ये कर्नाटका की सरकार को भी देखना चाहिए, और हमारे जो लोग कर्नाटका के अंदर हैं, जैसे आपके भी पत्रकार बंधु होंगे, उनको भी उनका मेन्यू तलाशना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई उनके मेन्यू क्या, मतलब कि इन्फ्लेट कर रखा है वीवीआईपी प्रोग्राम्स के लिए, या उनका मेन्यू है ही इतना महंगा, तो उसके अंदर देखना चाहिए। इसके अंदर कोई छुपाने योग्य बात नहीं है, इसके ऊपर पूरी जाँच कर लेनी चाहिए। आपको भी अपने लेवल पर थोड़ा इसके अंदर क्यूरोसिटी से देखना चाहिए। मगर ये कहना कि मुख्यमंत्री ने इसके अंदर शराब पी है, ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। मुख्यमंत्री के बारे में सभी लोग जानते हैं, 12-12, 14-14 दिन की विपासना के लिए कैंप में जाते हैं, नेचुरोपैथी के अंदर जाते हैं, और भी सैकड़ों टेस्ट होते हैं मुख्यमंत्री के लेवल पे। तो उसके अंदर कौन आदमी शराब पीता है, कौन आदमी शराब नहीं पीता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी इजीली जो हैं ये समझी जा सकती हैं, पाई जा सकती हैं। सिरसा जी जिस तरीके से कर रहे हैं वो उनको शोभा नहीं देता, मगर उनकी पार्टी के ऊपर है, उनकी पार्टी इसके ऊपर जो उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, या उनकी बीजेपी है, बीजेपी के चुनाव चिन्ह से वो लड़े हैं, वो जो उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहेंगे उन्हें करनी चाहिए।